दीपक वो रीडेवलपमेंट के प्लान्स आ गए? पानी दे। कुछ नहीं दादा। मैं क्या बोलता हूँ कि हम लोग है ना रीडेवलपमेंट के बाद एक मस्त वो 8-सीटर डाइनिंग टेबल होता है ना वो लेते हैं है ना, साथ में बैठ के खाना खा सकेंगे। कोई नई खबर सुनी है? कुछ नहीं, ये शेंगे और होलकर मान किधर रहे हैं? हाँ वही तो। अब बाबा हम लोग कब तक इतने छोटे से कमरे में रहेंगे? क्यों, पिछले 45 साल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज क्यों होने लगा? अरे बाबा तब आप काशी काका भाव काका शीला आते आप सब छोटे थे। हाँ पर हम बड़े भी तो हुए ना, हमारी शादियां हुई, बच्चे पैदा किए। हाँ पर शीला तो शादी करके चली गई थी ना। भाव और काशी तो थे ना यहाँ, और गौतम वीरा और सुहासिनी वो भी तो यहीं पे पैदा हुए थे ना, 4 बड़े लोग 6 बच्चे एक ही घर में। हो बेकार की बहस मत करो। तब जगह कम पड़ती थी इसलिए आपने भी तो नाइट शिफ्ट किया था ना सिद्धार्थ। ए तेरा प्रॉब्लम क्या है? ये रीडेवलपमेंट खाने का लड्डू है, ये बनाया खा लिया, तेरे को है ना जगह सोने को, फालतू की बहस मत कर। दीपक अब बस ना। सब्जी देना। बाबा हम्म, बॉटल रखा है कुछ और हो तो बता देना। बता दूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे लग रहा है शलाका को बंबई जम नहीं रही है। गांव में बड़े बड़े घर होते हैं ना। उस घर ही तो बड़े होते हैं गांव में, तो चिंता मत कर, उसको भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। वैसे अच्छा है तू बंबई की लड़की है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपना अलग कमरा नहीं चाहिए। ए? गप गप, आई सुन लेगी उसको बुरा लगेगा। वैसे तू ऐसा सोच ना, जिधर मैं उधर तेरा घर। बड़ा बेईमान है बड़ा बे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तू खुश तो है ना? क्यों, मुझे ना खुश होने जैसा क्या हुआ है? जगह कम पड़ती है ना। हाँ तो आदत हो जाएगी ना। आदत हो जाएगी? आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी। ये जो कहनिया जो चलो क्या क्या कर? मैं क्या चलो क्या नहीं सुनाई देगा ना। सोप रे। सोप सोप का सोप देवा, बड़ा घर जल्दी से दे रे बाबा। गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग, तुम्हें पता है घर में सब मुझे कैसी अजीब नजरों से देख रहे हैं? क्यों,
क्यों मतलब? कल रात जो हमने इतना शोर मचाया, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। अरे शर्म क्यों आ रही है? ग्लास ही तो गिरा है, बिल्डिंग थोड़ी ना गिराई है। चल एक और ग्लास गिराते हैं। क्या हुआ? मैं तुम्हें कस के गले लगाना चाहती हूँ, जिताना चाहती हूँ और कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। जानता हूँ, सेम टू सेम। जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं हो तुम? हमने शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए की है। तुझे किस करूं क्या? करो। बाबा वो रिमोट दो ना प्लीज। ए स्नेहा चाय देना। बाबा आप भी लेंगे? अभी पिया इन्होंने आधा कप। अरे वाह बाबा, आई को शॉपिंग करा कर लेकर आयो? आई मैं शलाका को बाहर घुमाने लेकर जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। दादा बाइक की चाबी मिलेगी क्या? खाना घर पर ही खाओगे ना कि खा के आओगे? अभी जा रहे हो? चाय। हाँ। फिर तो रात को लेट ही लौटोगे ना? नहीं लेकिन मैं अरे अभी नहीं जाएंगे तो क्या हमारी उम्र में जाएंगे घूमने? हम लोग बाहर से कुछ खा लेंगे ना। हाँ ठीक है। ओ मैडम तुम जाओ। क्यों सिद्धार्थ चाइनीज खाने जा रहे हो? काहे को? हाँ मार खा के मत आना। संभल के जाना। खुश? कितनी सुंदर जगह है ना सिद्धार्थ? है ना? अब मैं तुझे जी भर के किस कर सकता हूँ। यहाँ यहाँ। ए हीरो चल बंद करे सगड़ा। अरे साहब हम लोग शादीशुदा है, वाइफ है मेरी। तो ये सपना घर पे आके करना है, यहाँ पे नहीं। साहब घर पे आपको मालूम है ना कितना छोटा सा कमरा रहता है। आई बाबा पण असतात ऐसा अपने को। वो सब मेरे को नहीं सुनने का है। इकडून जागा खाली करा नहीं तो दोगाना 1200 फाइन मारीन। अरे क्यों 1200 मतलब? ए शलाका प्यार करना कोई जुर्म है क्या दादा? ए छोरी तेरे आई बाबू का पता है क्या पे क्या क्या कर रही है तू? हाँ तो उन्होंने ही तो शादी कराई है ना। शलाका चुप रे चुप है। साहब निकतो निकतो। तो ये छोटे गांव से ये ना इसको बॉम्बे के तौर तरीके मालूम नहीं। मैं अब भी निकलता हूँ इसको लेकर। चल चल जगह खाली कर फटाफट। चल निकतो। दादा आपके बहुत बड़े महल में रहते हैं, आप भी तो छोटे कमरे में रहते होंगे ना हमारी तरह। ए वो सब मेरे को मत सुना, इसको लेकर जा रहा है डालो दोनों को अंदर। चल रे जगह खाली कर फटाफट। बस ना रे। क्या हुआ? 2 घंटे का 2200। 2200 मैरिज सर्टिफिकेट अलग से। मैरिज सर्टिफिकेट सिद्धार्थ वो तो बाबा के पास है ना। हाँ तू अपने पास नहीं रख सकता था। तो मैं क्या करूँ, शादी के बाद बाबा ने लेके रख लिया था, मुझे क्या पता था जरूरत पड़ेगी। सिद्धार्थ
क्या हो गया, ऐसे क्या कर रही है? वो देख रहा है ना ऐसे, मुझे शर्म आ रही है। गाड़ी वापस घुमा लेना। सो गई शलाका। सॉरी, बारीक चिरती ना? हो हाँ, मैं ठीक है। भाभी, वो चाइनीज का क्या किस्सा था? वो खास कुछ नहीं, सिद्धार्थ का दोस्त है ना गौतम, वो एक लड़की को चाहता था तो वो उसे ले गया चाइनीज खिलाने। फिर क्या, साथ में सिद्धार्थ, अनुज और तरुण को भी ले गया। उस लड़की के भाइयों ने और दोस्तों ने मिलकर जमकर पिटाई की उन चारों की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस? और नहीं तो क्या। अगम वो क्या है, दीपक और स्नेहा को जाना पड़ा था उनको छुड़ाने। अड़ी कहेगा ऐसा लगा। हाँ? तुझे क्या लगा किसी चाइनीज लड़की का चक्कर था? हाँ? नहीं आई। बेटा भाई इबक। शलाका। नाराज है? नहीं, एक आइडिया है। क्या? पिक्चर देखने चलते हैं ना। ये आइडिया है। शाम की दो टिकट, एकदम ही फ्लॉप पिक्चर है। लास्ट रो कॉर्नर सीट। सिद्धार्थ,